सोनभद्र में आदिवासियों पे गोली चलाएगी, हो सकता है कल हमारे वाली साहब से भी जमीन छीनी जाएगी, तो उस समय का आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। हर जगह पे किसी को गाय के नाम पे मारा जा रहा है, किसी को धर्म के नाम पे मारा जा रहा है। जो किसान की बात नहीं करेगा, जो एक आदिवासी की बात नहीं करेगा, जो इंसान के हक की बात नहीं करेगा, हम उसके साथ हर समय लड़ाई लड़ते रहेंगे। यदि अखिलेश सरकार में, मायावती सरकार में ये एक दो घटनाएं होती थी तो बोला जाता था गुंडा राज, आज ये बड़ा सुशासन हो रखा है, आज ये बड़ा राम राज्य है। माफियाओं के साथ मिलके एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस प्रकार से ये साजिश के तहत एक इसको जस्ट एक इंसिडेंट नहीं कहा जा सकता है, प्लान मर्डर है और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से इन्वॉल्व है। एक अधिकारी जो है उनने अपने ट्रस्ट के नाम वो जमीन की हुई थी, उनने किसी दूसरे बंदे को बेच दी और उनसे खाली करवाने के लिए 90 बीघा का जमीन ऊपर से जब वहाँ पर जब ये डेथ होती है ना, योगी सरकार का कोई भी एक बड़ा अधिकारी या जिम्मेदार व्यक्ति वहाँ पर उनसे मिलने जाता है, लेकिन जब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी जब वहाँ जाने की कोशिश करती हैं और मिलने की कोशिश करती है, तब भी बिना लिखित कोई कुछ नोटिस दिखाए यूपी पुलिस उन्हें को रोक लेती है। आपको पता होना चाहिए जब उसी सोनभद्र में 10-10, 15-15 लोगों को ये कायर और ये डायर की सरकार ने जाके गोलियों से अंधाधुंध गोलियां चला देते हैं, और ये जिनके पास घर नहीं है खाने को, जिस खाने को खाना नहीं है, सोने को बिस्तर नहीं है, उन पर दंदना के गोलियां चला के खून से लथपथ कर दिया जाता है, और ऐसे में अगर कोई यहाँ तक आवाज पहुँचाने आता है तो आप उसको गाड़ी में बैठाते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ आपके साथ, आपको चैलेंज करता हूँ कि आपके पास राइफल है, मशीन गन है, पिस्तौल है, लेकिन आपका दम इसमें नहीं है। आपका दम कहाँ है मैं बताता हूँ, आपका दम तो आपका पावर कौन तय करता है, आपका पावर तय करता है वहाँ जो अमित शाह बैठे हैं, आपका पावर कौन तय करता है वहाँ जो योगी जी बैठे हैं, अगर वो कहे तो आपका बंदूक चलेगा, वो कहे तो आपको बैठना पड़ेगा, कहीं भी आपको भूखे भी बैठना पड़ेगा। क्या आपको याद नहीं संजीव भट्ट के साथ क्या किया, क्या आपको याद नहीं विकास यादव के साथ क्या किया, क्या आपको पता नहीं इस सरकार ने, इस योगी और मोदी की सरकार ने आए दिन यूपी के, बिहार के और देश के तमाम मुमालिक में दलित वंचित मुसलमान और ओबीसी के साथ क्या रवैया अपना रहे हैं, ये कभी गाय के नाम पर, कभी चोरी के नाम पर, तो कभी आदिवासी के नाम पर, ये अपने कायरता को दिखाते हुए पुलिस को आगे करकर, कभी गुंडा को आगे करकर, कभी माफिया को आगे करकर गोली से भुना देते हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ साथियों, आप लोग उस यूनिवर्सिटी से हो जहाँ देश का हर एक नागरिक सपना देखता है पढ़ने का, जब आपके अधिकार के यहाँ आवाज नहीं उठाने देने का काम कर रहा प्रशासन, तो पूछो गांव में बैठा हुआ जो किसान है अपना अधिकार कैसे मांग सकता है। और आप लोगों को ये सीखना पड़ेगा, यहाँ नहीं हम कैंपस नहीं, सड़क नहीं, हम संसद नहीं, हर एक नागरिक का अधिकार उठा कर रहेंगे, चाहे प्रशासन हमारे लिए कुछ भी करके बैठे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। जो किसान की बात नहीं करेगा, जो एक आदिवासी की बात नहीं करेगा, जो इंसान के हक की बात नहीं करेगा, हम उसके साथ हर समय लड़ाई लड़ते रहेंगे। किस तरह 70 राउंड फायरिंग करके 10 लोगों को मार दिया गया, उनको ले जाने के लिए वहाँ पे एम्बुलेंस तक अवेलेबल नहीं थी। आप देख सकते हैं कि वहाँ की सीएमओ जब इनसे पूछा था ये क्या चल रहा है, वहाँ पे जब किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती है तो बताया जाता है कि वहाँ लोग लंच करने गए थे, लंच टाइम था। आप बताइए किस हॉस्पिटल में लंच टाइम होता है कि वहाँ पे कोई आ जाए और कोई भी एक व्यक्ति वहाँ पे ना मिले। आप सोच सकते हैं कि किस तरह का वहाँ गुंडा राज चल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले US रिपोर्ट आती है, US रिपोर्ट में बताया जाता है कि किस तरह से उन तमाम दबे कुचले लोगों के साथ जाति की जा रही है। करीबन 700 से ऊपर केसों में मारा गया है। अगर उसमें आप देखेंगे तो 95-97% केवल OBC ST है। मुस्लिमों को तोड़ तोड़ के नाप नाप के मारा जा रहा है। उस समय उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? आप जिस भी राज्य में चले जाइए जहाँ पे BJP की सरकार है, जो ये कहती है कि अच्छे दिन आएंगे, राम राज्य आएगा, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सा राम राज्य आप लाना चाहते हैं जिसमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े कोई भी यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। हर जगह पे किसी को गाय के नाम पे मारा जा रहा है, किसी को धर्म के नाम पे मारा जा रहा है। यूपी सरकार में आए दिन
एससी एसटी ओबीसी कोई ना कोई घटनाएं मिलती है जहां पर किसी यादव को मार दिया जाता है, किसी दलित को मार दिया जाता है, किसी मुस्लिम को मार दिया जाता है, सीधे गोली मार दी जाती है। ये क्या हो रहा है इस सरकार में? पहले जो था, यदि अखिलेश सरकार में, मायावती सरकार में ये एक दो घटनाएं होती थी तो बोला जाता था गुंडा राज। आज ये बड़ा सुशासन हो रखा है, आज ये बड़ा राम राज्य है। सोनभद्र में आदिवासियों पे गोली चलाएगी, हो सकता है कल हमारे वाली साहब से भी जमीन छीनी जाएगी, तो उस समय आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए आप तमाम लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप जगिए, अपनी जमीन से सवाल कीजिए कि आखिर इस देश में आप नहीं, हम नहीं, ये